नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो सोयाबीन की आवक है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल रही है। चूंकि अभी जो समय है वो सोयाबीन की आवक का नहीं है, यही कारण है कि सोयाबीन में अब जो है लगातार आवक में कमी देखने मिल रही है। अब इसका कितना असर दामों पर पड़ रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ अनुभवी व्यापारी हैं सोयाबीन के, उनके पास सीधे चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ असर सोयाबीन के दामों पर आवक का जो है पड़ रहा है। बहुत स्वागत है आपका। अभी जो वर्तमान समय है कहीं ना कहीं सोयाबीन की आवक कम हो रही है, क्या लगता है कितना असर इसका पड़ रहा है और आने वाले समय में दामों पर इसका कितना असर देखने मिलेगा? सोयाबीन की आवक तो अभी कर लगभग 2000 के आसपास की हो रही है और इसमें इसके जो रेट है बहुत अभी कम चल रहे हैं। अभी हर घर किसान के पास सोयाबीन वापस से शुरू करना होगा, मेरे को लगा गिर रहा है। नमस्कार, इस वक्त हमें इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो सोयाबीन की आवक है वो बढ़ रही है और सोयाबीन के क्या कुछ दाम अभी वर्तमान में चल रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ व्यापारी हैं, इनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ दाम वर्तमान में है और किस तरह की आवक जो सोयाबीन की बन रही है। बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि किस तरह की आवक अभी सोयाबीन की जो है बनती नजर आ रही है और क्या कुछ दाम सोयाबीन के वर्तमान में नजर आ रहे हैं? अभी सोयाबीन की जो आवक है कर लगभग 2000 के आसपास है और सोयाबीन के जो दाम है 4600 से लेके 4800 रुपये है। प्लांट के भाव भी 4800 रुपये है। हालांकि सोयाबीन के भाव बहुत कम है, अभी लोगों के पास स्टॉक ज़्यादा है, लोगों को उम्मीद है कि थोड़ा से बढ़ सकते हैं बाजार, इसलिए सोयाबीन की आवक सतत चलती रहेगी कि लोगों के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, हर किसान के पास सोयाबीन है। सोयाबीन इस बार लोग बेच नहीं पाए हैं और सब भाव के कारण सबके पास सोयाबीन रखा है, व्यापारियों के पास भी वो सोयाबीन बहुत रखा है, इसलिए धीरे धीरे आवक तो बनती रहेगी। और यदि हम बात करें तो सोयाबीन के दाम पर सीधा असर जो है देखने मिल रहा है, लगातार जो दाम है उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति हमको नज़र आ रही है, क्या लगता है आने वाले समय में सोयाबीन के दाम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? लोगों को अभी इसे चांस लग रहा है कि सोयाबीन में 300-400 रुपये सुधर जाए, इससे ज़्यादा सुधरने की उम्मीद कम है। लगभग 5400-5500 की रेंज आ सकती है, पर यह भी बहुत कम चांस है क्योंकि इस बार सोयाबीन में सबके हालत ख़राब हो गई है कि सोयाबीन का स्टॉक ने सबको मार डाला है, इसलिए बस समझ लो थोड़े बहुत 200-300 रुपये की तेज़ी आ जाए तो वो भी किस्मत है इनके सबके। और यदि हम बात करें तो DOC की डिमांड किस तरह की है और क्या DOC की डिमांड का असर जो है सोयाबीन के मूल्यों पर पड़ रहा है? एक्चुअल में क्या DOC की डिमांड एकदम बढ़ नहीं रही है और इसलिए थोड़ा सा सोयाबीन के रेट में एकदम उछाल आता नहीं है। प्लांटों के भाव भी DOC के आधार पर चलते रहते हैं, इसलिए प्लांट भी DOC के आधार पर उनका माल सही तरह से बिकता नहीं है, DOC बिकती नहीं है, इसलिए उनका भाव स्थिर रहते हैं और ज़्यादा ऊपर नीचे होते नहीं है। और जी, यदि हम बात करें तो आने वाले समय में कहां तक सोयाबीन के दाम चले जाएंगे? आने वाला समय त्योहारी सीज़न का है और भी जो है शादी ब्याह का सीज़न शुरू होना है, तो क्या लगता है दाम सोयाबीन के बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? बस आने वाले दिनों में हाईएस्ट कभी हो जाए तो 5400 के आसपास, 5500 जो रेंज पहले आ चुकी थी ये दीपावली के मुहूर्त के टाइम पे, वो आ सकते हैं बाजार। बस निश्चित तौर पे तो सोयाबीन के व्यापारी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है आने वाला जो समय है वो सोयाबीन के लिए अच्छा हो सकता है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो सोयाबीन के दाम है वो भी निरंतर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।